नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों ने तीन लोगों के खिलाफ तीनवारी थाने में दिनांक 14 अगस्त को शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस मामले में हिला हलावे करती रही, जिसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने उच्च अधिकारियों से मामले की गुहार लगाई। उसके बाद 19 अगस्त को रात को मामला दर्ज किया गया। कुछ ही देर बाद तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। पूरा मामला तीनवारी थाना क्षेत्र के एक गांव से सामने आया है। यहां एक लड़की से तीनवारी थाना क्षेत्र के बेदा गांव में रहने वाले पांच लड़कों ने दुष्कर्म किया। तहरीर के अनुसार लड़की अपने घर से जंगल की तरफ शौच करने के लिए गई थी, वहीं घात लगाए बैठे हैवानों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद पीड़ित लड़की ने आपबीती परिजनों को बताई। बेसुध हालत में घर पहुंची लड़की को देख परिजनों के होश ही उड़ गए। इसके बाद परिजन लड़की को लेकर 14 अगस्त को तीनवारी थाने में पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मामले को लापरवाही करते हुए कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद पीड़ित परिवार के उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की शिकायत की। मामला बढ़ता देख बांदा SP अभिनंदन सिंह ने दिनांक 19 अगस्त को दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई और तीन नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बांदा SP अभिनंदन ने बताया कि दिनांक 14 अगस्त को एक लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। परिजन थाने में पहुंचे और सूचना देकर चले गए। 19 अगस्त को उन्होंने लिखित तहरीर दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और तीन आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है। लड़कों को न्यायिक हिरासत में भेजा है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। मामले में दो अन्य की तलाश की जा रही है।